एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनलेस इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप हेडिंग देख भी रहे हो कि मैंने लिखा है परसेंटेज, अब पार्ट वन का लेक्चर है। तो अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं बिगिनिंग से तो वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली देखें ताकि इसका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान जाओ भाई परसेंटेज, जिसको हम लोग जो है हिंदी में प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशत। और इसी को अगर हम अलग अलग कर दें तो इसको ऐसे भी लिख लो, प्रति प्लस सत। सत का मतलब हंड्रेड से होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई किसी चीज़ की वैल्यू जो है हंड्रेड में कितनी है, यह पाना ही जो है परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज के लिए जो हम लोग साइन का जो यूज करते हैं वो ये होता है इस तरीके से। तो अब इस पे जैसे क्वेश्चन तुम्हें लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो आर एस अग्रवाल की टेक्स्ट बुक से रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9A है। और अगर हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहले क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच आर द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना रहेगा कि परसेंटेज में वैल्यूज दी गई है और उसको जो है तुमको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मान लो अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इस पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है 48%, क्लियर। तो जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन है ये। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि 48% का मतलब ये है कि ये 100 में 48 है, इस तरीके से। अब इसको चाहिए तो आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, फ्रैक्शन में तो आपने लिख दिया है, लेकिन अगर छोटा करेंगे तो इसको क्या ले सकते हैं, 4 से अगर काटोगे तो ये 12 टाइम्स में ये कट जाएगा और 25 टाइम्स में ये कट जाएगा। और एक सर एक प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि आप ये समझ नहीं पाते कि भाई 4 कहाँ से आया। तो 48 का और 100 का जब आप HCF निकालेंगे, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 48 को और 100 को डिवाइड कर दे तो 4 होगी इसमें। तो 48 को 4 से काटोगे तो 12 मिल जाएगा और 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 220%, क्लियर। अब इसका भी मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब 100 से ही होता है। तो यहाँ पे 220/100 कर दीजिए। अब यहाँ पे 1010 कैंसिल कर दो, ठीक है, चूँकि वंस प्लस पे भी ज़ीरो है और इस डिनोमेटर में जो लिखा गया उसमें भी वंस प्लस पे ज़ीरो, तो दोनों कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो इस रिजल्ट को लिखेंगे 22/10 और छोटा कर लोगे तो 25/10 और ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 11/5 हो जाएगा। थर्ड में दिया गया है 2.5% दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो देखो 2.5 लिख लीजिए। अब परसेंटेज मतलब क्या, 100 में कितना, ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है एक से सेंस में होता है, तो परसेंटेज को तुम ऐसे 1/100 ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख दो। अब चूंकि 2.5 एक डेसिमल का नंबर है तो इसको तुम 25/10 में लिख सकते हो और 1/100 इस तरीके से। 2500 को कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स में, इसको कैंसिल कर दीजिए, अभी हो जाएगा 1/10 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया, ठीक है। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देखो भाई, दूसरे क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपकी जो बुक का जो दिया है इसमें लिखा है क्या कि एक्सप्रेस ईच आर द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। मतलब जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको डेसिमल में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे मान लो कि पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 6% दिया गया है, ठीक है, तो इसको तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो जानते हो कि भाई 6% का मतलब होता है कि ये इसकी जो वैल्यू जो होगी वो 100 में क्या होगी, 6 होगी। तो थोड़ा छोटा कर लो तो 2 3 6 और इसको कैंसिल करोगे तो 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब 3 को 50 से डिवाइड कर लो तो पहली बार में 1 टाइम्स में जा नहीं पाएगा तो 0 टाइम्स में
कर लो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको जीरो मिल जाएगा। थ्री ले लीजिए, डेसिमल देंगे एक जीरो ले लीजिए, गॉट इट। वन टाइम्स में रीड नहीं कर पाओगे तो अभी आप जीरो टाइम्स में ही पढ़ोगे, तो फिफ्टी जीरो जा जीरो हो जाएगा थर्टी, डेसिमल दिए ऑलरेडी क्लियर, तो एक जीरो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिक्स टाइम्स आप उसको पढ़ लीजिए, 300 हो जाएगा इस तरीके से। तो आप डेसिमल का डिवाइडेशन भी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्लियर। अब इसी तरीके से 72 परसेंटेज है, क्लियर। तो 72 परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में 72, थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको, क्लियर। तो अगर आप छोटा करेंगे तो 72 और 100, तो पहले 2 से कर लो, 36 कर लीजिए, यहाँ पे आपको 50 मिल जाएगा, क्लियर। अब ड्यूअलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको वीडियोस के एंड स्क्रीन में भी दे सकते हैं। और छोटा कर लो तो यहाँ पे 18, 2 से काटोगे यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा, तो फाइनली आपको यही नंबर मिलेगा 18/25। अब 18/25 किसी दूसरे नंबर से अब सिम्प्लीफाई नहीं होगा, ठीक है भाई। 18 और 25 का अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF केवल 1 ही आएगा। अब यह बात हो रही है कि भाई डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो 18 को 25 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो पहले जब डिवाइडेशन नहीं जाएगा तो जीरो टाइम्स में तो पहली बार कर ही सकते हो, ऐसे कर लो 18, डेसिमल दे करके जीरो ले लो, क्लियर। अब 25 में का टेबल ऐसा पढ़ो कि भाई 180 से ज़्यादा ना हो। 6 टाइम्स पढ़ोगे तो तुम्हारा 150 होगा, और 7 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, तुम्हारा मिलेगा 175 मिलेगा। तो 7 × 5 = 35, और यहाँ पे करोगे तो 70 ऐसे मिलेगा, 5 ये मिला, और यहाँ पे आपको क्या मिला, 0। इस तरीके से चाहे इसको क्रॉस कर दीजिए, डेसिमल दिए तो एक जीरो मिलना ही मिलना है। तो 25 में 2 से मल्टी 25 में 2 का टेबल पढ़ोगे, दो बार पढ़ दोगे तो 50 आपको ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से, तो डेसिमल में जब बात हो रही है तो इसका आंसर जो होगा वो 0.72 होगा। एक क्वेश्चन जो है थर्ड वाला, ये 125% वाला, ये इसको आप ट्राई करिएगा, क्लियर, और चेक करिएगा भाई डेसिमल में इसका आंसर क्या आ रहा है। अब इस वीडियोस का जो है एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियोस को लेंथी नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें सीखें स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएँ और बेहतर तरीके से सीख लें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच आर द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। मैं परसेंटेज का साइन बस लिख दे रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ें जो दी रहेंगी इस क्वेश्चन में आपको सीधे उसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 9/25, इसको परसेंटेज में तुमको कन्वर्ट करना है। तो एक आसान सा तरीका ये समझो कि जब भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सीधे क्या करो कि उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ परसेंटेज का साइन जरूर लगा दें, ठीक है। इस तरीके से अब 25 100 को डिवाइड करेगा तो 4 टाइम्स में करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब 9 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा, तो 36 परसेंटेज आपका रेडी हो गया। इसी तरीके से एक वैल्यू में और लिख रहा हूँ मैं 12/5, मान लो ये भी एक फ्रैक्शनल रिजल्ट है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करिए, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्लियर। ये से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है। अब करने के बाद परसेंटेज का साइन जरूर लगाना। अब 100 को जो है 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 टाइम्स में कट जाएगा। अब 20 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 × 0 = 0 और 12 × 2 = 24, 240, और परसेंटेज का साइन आप लगा लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से पसंद में आ रही है तो अपने उन दोस्तों को भी सजेस्ट करें जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही कमज़ोर है। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो आई बटन जो दिख रहा है उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें, बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं, ठीक है। और तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।